अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे यूट्यूब चैनल प्रिपेयर लो कास्ट बेबी गारमेंट्स में आपको खुशामदीद। कट पीसी से आज एक और फ्रॉक तैयार करने जा रहे हैं, जिसके लिए ये जो कपड़ा है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तकरीबन 9 इंच चौड़ी ये पट्टी है, 4 फोल्ड्स इसका घेरा बनाएंगे, और ये एक रेगुलर सा कपड़ा है, इसकी पेटी बनाएंगे। इसके साथ ये जो बॉर्डर का प्रिंट है इसकी मैं फ्रिल बनाऊँगी, और इसके साथ शॉकिंग पिंक और ब्लू कलर की ये दो जो है ना इरेगुलर सी स्ट्रिप्स हैं, तो ये कुछ वर्क करने के काम आएंगी। शॉकिंग पिंक की बजाय ये ब्लू कलर जो है वो इसके ऊपर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसी से पेटी के ऊपर कुछ वर्क कर लूँगी और ये कपड़ा जो है गले के नीचे काम आ जाएगा। कटिंग शुरू करते हैं, तो पहले मैं ये जो प्रिंटेड बेल्ट है इसको अलहदा कर लेती हूँ। ये प्रिंटेड बेल्ट मैंने अलहदा कर ली है, इसकी फ्रिल जो है वो पेटी के साथ लगाएंगे, और इसके साथ फिर हम घेरे वाली फ्रिल लगाएंगे। और पेटी के लिए ये जो कपड़ा है इसमें से पहले मैं आम बाजुओं के लिए ये मैं कपड़ा अलहदा कर लेती हूँ। ये बाजुओं के लिए कपड़ा मैंने अलहदा कर लिया है, बाकी इसकी अब हम पेटी बनाएंगे। पेटी में फट्टी जो है वो इसी में फोल्ड करेंगे, इसकी सिलाई लगा के फिर हम इसकी कटिंग करते हैं। पेटी की फट्टी मैंने फोल्ड करके दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। इसकी चौड़ाई जो है वो 13 इंच और लेंथ जो है वो 10 इंच है, 1 इंच ये सिलाई के मार्जिन के लिए है। ये 3 साल के बेबी का बनेगा, तो उसी के हिसाब से हम इसका गला और आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। गले की कटिंग के लिए 2 इंच इस साइड पे और 2.5 इंच डीप हम यह रखेंगे। चलें अब इसको कट कर लेते हैं। आर्म होल जो है वो 4.5 इंच रखेंगे, तीरा 3 इंच या फिर 4 फिंगर ये मैंने कट लगाया। चलें पेटी को सिलाई करने से पहले ये जो ब्लू कलर का कपड़ा है इसका कुछ वर्क इसके ऊपर करेंगे। इसकी मैं फ्रिल काट के लगाऊंगी, इसकी मैक्सिमम जितनी चौड़ी फ्रिल बन सकती है ये मैं कट कर लेती हूँ। ये मैंने फ्रिल के लिए पट्टी कट कर ली है, तो इसकी अच्छी सी फ्रिल बना के हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये जो कपड़ा है ये बाजू के आगे सामने जो है मैं थोड़ा सा बारीक सा कवर करूँगी बाजू को, तो बाजू की कटिंग भी कर लेते हैं। बाजू के लिए ये मैंने कपड़ा उतारा था, इसकी कटिंग जो है वो ज़रा सी गोलाई में यहाँ से करेंगे, और ये दोनों बाजुओं को मैं सेपरेट कर लेती हूँ। चलें अब मैं पेटी की तैयारी करती हूँ। पेटी को गले के नीचे मैं ये वाला कपड़ा लगाऊंगी और बाजू अटैच करूंगी ये फ्रिल से इसके ऊपर, ये दो पट्टियाँ हैं इनके ऊपर दोनों तरफ यहाँ फ्रिल लगा के, और जो कुछ ये कपड़ा बचा हुआ है इसको बाजू के आगे लगा के इसको अच्छा सा डिज़ाइन बनाऊँगी। बाजू के सामने ये मैंने बारीक सा कपड़ा लगा के इसको फोल्ड कर दिया, और ये जो फ्रिल की पट्टी थी इसकी भी दोनों साइड को फोल्ड करने के बाद अब इसको सिलाई मशीन में यूँ मैंने हाथों से ही ये दोनों फिंगर्स को दो साइड पे रख के इस तरीके से ये चुनर डाल ली है। ये देखें ये सारी एक साइड की चुनर मैंने कंप्लीट कर ली है, तो अब हम इसको पेटी के ऊपर लगाएंगे। पेटी मैंने मुकम्मल तैयार कर ली है। ये बटन जो हैं आप बाज़ार से ले कर भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास ये ब्लू कलर का कपड़ा डिफरेंट कलर का हो तो उसमें रैप करके भी यहाँ लगाएं तो ये बड़े प्यारे लगते हैं। तो चलें ये बाद में फिक्स करती हूँ। ये पेटी जो है ये तकरीबन 3 साल के बेबी की है, तो अब फ्रिल के लिए जो कपड़ा है वो हमारे पास ये है, तो इसकी चौड़ाई कम है। मैं इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए ये छोटी सी जो मैंने पेटी वो की थी, तो मैं इसकी
पहले इसकी फ्रिल बनाऊंगी और वो इसके साथ अटैच करूंगी, और इसके बाद इसकी फ्रिल बनाऊंगी जो इसके साथ अटैच करूंगी। यूँ इसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी और 3 साल के बेबी को ये पूरा आएगा और ख़ूबसूरत भी लगेगा। तो चले मैं इनकी फ्रिल बना के अटैच करती हूँ। जी व्यूअर्स, मैंने दोनों फ्रिल्स को अटैच कर दिया है, नीचे से भी थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर दिया है और इसकी साइड की भी सिलाई लगा दी है। किस कदर खूबसूरत सा फ्रॉक बिल्कुल आम से कपड़े से सिल के तैयार हो गया है। अगर ये फ्रिल बेल्ट वाला कपड़ा ज़्यादा होता तो इसकी हम अमूमन घेरे के नीचे की तरफ फ्रिल लगाते हैं, लेकिन ये कपड़ा कम था तो मैंने इसको इसकी फ्रिल जो है पहले पेटी के साथ अटैच की और फिर बड़ी वाली फ्रिल जो है वो इसके साथ अटैच किया, लेकिन ये एक बिल्कुल न्यू डिज़ाइन बन गया है। तो देखिए ये किस कदर खूबसूरत सा डिज़ाइन मैंने आपके सामने तैयार किया है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।